आज की वीडियो में आपको बताने वाला हूँ कि आप अपना पैसा कैसे सेव कर सकते हो अगर आप किसी भी कंट्री में जा रहे हो। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो आज मैं आपको बताने वाला हूँ, सो प्लीज़ वीडियो को पूरा देखना। और वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए आए तो अगर आपको अच्छे लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक भी कर देना, शेयर कर देना, किसी और का फ़ायदा हो जाएगा। नए आए तो सब्सक्राइब ज़रूर करना और नोटिफिकेशन को ऑल पे क्लिक करना। चलो स्टार्ट करते हैं। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। माय नेम इज़ विपिन गुजेला। सो जैसा कि मैंने बताया कि आज की वीडियो है हम अपना पैसा कैसे सेव कर सकते हैं किसी भी कंट्री में हम जा रहे हैं। तो एक चीज़ मैं आपको बोलना चाहूँगा कि देखो, हम किसी भी कंट्री में जा रहे हैं, डर हमको हर किसी को लगता है। मैं भी जब आया था कुवैत के अंदर तो मुझे भी डर लगा था यार, ऐसी बात नहीं, किसी को भी हर किसी को डर लगता है, लेकिन आपको डरने की कोई बात नहीं है। अब बात आती है कि आप अपना पैसा कैसे सेव करोगे। पैसा सेव करने के लिए बहुत कुछ कुछ छोटी छोटी चीज़ें होती हैं जो हम भूल जाते हैं। अब वो जो गलतियाँ मैंने की है, मैं नहीं चाहता कि आप लोग कभी कर पाओ। अगर आप प्लान कर रहे हो किसी भी कंट्री में जाने का, या फ्यूचर में कभी, या अभी आप आने वाले, वीडियो आप लोगों के लिए है। सो सबसे पहले आपको करना क्या है, जो भी छोटी छोटी चीज़ें होती हैं ना, जैसे तेल हो गया, साबुन हो गया, या छोटे मोटे ब्रश हो गया, कॉलगेट हो गया, छोटे मोटे सामान हो गया, जूते पॉलिश करने का हो गया, ब्रशेज हो गए, तो इस टाइप का सामान आप जब भी किसी भी कंट्री में जा रहे हो तो प्लीज़ कैरी करके लेके जाना। बिकॉज़ ज़्यादा जगह घेरेगा नहीं आपके बैग में, छोटी सी हैंड बैग में कैरी कर लो या अपना जो भी मेन बैग हो उसमें डाल लेना। बिकॉज़ ये इसलिए बता रहा हूँ मैं आपको, ये देखो छोटा, अगर आप नहीं लेके आओगे इस कंट्री में, जब भी जिस कंट्री में आप जा रहे हो वहाँ जाओगे तो आपको सामान ख़रीदना पड़ेगा। जो सामान आपको 40-50 रुपये में, 50-100 रुपये में इंडिया में सब कुछ मिल जाएगा, वही चीज़ आपको वहाँ जाके महंगी पड़ेगी, राइट। ख़रीदना फिर भी पड़ेगा लेकिन हुए आपके पैसे बर्बाद। ये सबसे मेन बहुत बड़ी गलती होती है, ये इसलिए बता रहा हूँ बिकॉज़ ये चीज़ मेरे साथ हो चुकी है, क्योंकि मैंने भी किया है, इसलिए मैं नहीं चाहता कि आप लोगों के साथ हो। दूसरी इंपॉर्टेंट बात होती है कि जब भी आप उस कंट्री में पहुंच जाते हो तो मेन हमारा जो यही होता है कि भाई खाना पता नहीं उस कंट्री में मिलेगा नहीं मिलेगा, कैसा खाना होगा, तो सब लोग यही सोचते हैं खाने पीने के ऊपर। ऐसी बात नहीं है, खाना पीना हमको, हम इंडियंस हैं, हमको जो खाना है वो मिल जाता है, चाहे वेज है चाहे नॉन वेज। कुछ एक आध कंट्री गिनी चुनी ऐसी होंगी जहाँ पर थोड़ा खाने का प्रॉब्लम होता है, लेकिन गल्फ कंट्री में तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अब बात आती है कि आपको करना क्या है। देखो, अपना एक आध दिन अपने मस्त से आप आराम करिए, अपने माइंड को फ्रेश रखिए, थोड़ा बॉडी को ढालिए ऐसे माहौल में, राइट। और ये भी नहीं कह रहा कि चलो आप स्टार्टिंग से ही घर में खाना बनाने लगो। अब इट्स ओके, आप बाहर भी खाना खा सकते हो यार, एक आध दिन जब भी जब, मतलब अगर आप लैंड कर रहे हो तो एक आध दिन अपना स्टार्टिंग में बाहर खाओ, कोई इशू नहीं है। आपको करना क्या है, आपको अपनी एक लिस्ट बनानी है ग्रॉसरी की, सही है। और मैंने कॉस्ट ऑफ लिविंग की वीडियो बना रखी है कुवैत के ऊपर, आपको आइडिया लग जाएगा, तो प्लीज़ वो वीडियो देख लेना आई कार्ड में, नहीं तो मेरी प्लेलिस्ट में मिल जाएगी। आपको ग्रॉसरी की लिस्ट बनानी है कि आपको क्या क्या खाना चाहिए। भाई साबुन हो गया, साबुन हो गया, साबुन बोल रहा हूँ, तो तेल हो गया, आपकी दाल हो गई, चावले हो गई, या छोटा मोटा जो भी ब्रेड वगैरह हो गए, आटा हो गया, इस टाइप का आइटम की आपकी पूरी लिस्ट बनानी है। लिस्ट बनाने के बाद आपको सामान लेने जाना, अपने पूरा एक महीने का राशन खरीद लो, जो जो भी है पूरा एस्टीमेट लगा लेना। आई नो के एस्टीमेट आपको स्टार्टिंग में करेंसी समझ भी नहीं आती होगी, करेंसीज के ऊपर भी वीडियो बना रखी है, अगर आप कुवैत में आना चाहते हो तो उसके ऊपर भी वीडियो है। और आपको ना किसी भी कंट्री में जा रहे हो घबराने की बात बिल्कुल भी नहीं है, बिकॉज भगवान ने यूट्यूब बना रखा है, भगवान ने यूट्यूब बना रखा है, उस पर आप कोई भी वीडियो सर्च करोगे तो ईजिली डेफिनेटली मिल जाएगी। जैसे कुवैत के ऊपर मेरी वीडियोस काफ़ी सारी हैं, आपको हर चीज़ के ऊपर वीडियो मिल जाएगी, अगर नहीं बनी तो वो भी बन जाएगी। अगर आप चाहते हो कोई वीडियो बनाना तो नीचे कमेंट करो, मैं उसके ऊपर भी वीडियो बना दूंगा। तो भैया ये हो गई आपका पहले महीना, तो अपना पूरा सामान वामान खरीद लेना है आपको, फिर अपने घर पे बनाइए। ये भी नहीं कह रहा कि भैया हर रोज़ ही बनाइए, इंसान कभी ना कभी बाहर जाता है घूमने महीने में 2-3 बार, तो मन कर जाता है खाने का, राइट। तो भैया इंसान बाहर जाता है तो ज़रूरी नहीं है कि इंसान घर में ही खाना खाए, बाहर भी मन कर जाता तो बाहर खाना खा लो, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन बाहर में यही सजेस्ट करूँगा ज़्यादा मत खाओ, क्योंकि वो भी एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। अगर आप बाहर ज़्यादा खाना खाओगे तो ऑब्वियसली पैसे खर्च होंगे ही होंगे, 2-3 बार खा लीजिए और कोई बात नहीं है। अब दूसरा इम्पॉर्टेंट पॉइंट आता है ट्रांसपोर्टेशन। हम कहीं भी जाते हैं तो भैया हम सबसे अपना कन्वीनियंट चीज़ ढूंढते कि हम जल्दी चले जाएँ, हमारा टाइम बच जाए, सही है, टाइम इज़ इम्पॉर्टेंट, बट अब अपने यहाँ पैसा कमाने आए तो पैसा भी बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके लिए आपको अगर आपको लगता है अगर बसेज वगैरह जिस भी कंट्री में आप हैं, बस या मेट्रो जो भी
अगर सस्ता है उसमें चले जाइए, थोड़ा सा टाइम लग जाएगा, इट्स ओके। हर कंट्रीज़ में बसेज हैं, कुवैत में है तो कुवैत में बस में कह रहे जाइए, सबसे बेस्ट रहेगा। टैक्सी काफ़ी ज़्यादा एक्सपेंसिव है, टैक्सी में बिल्कुल मत जाना। अब थर्ड जो है इंपॉर्टेंट पॉइंट है, थर्ड इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि ये चीज़ मैंने देखे काफ़ी लोगों में, कुवैत के अंदर मैं बात करूँगा जब मैं बहरीन में था तब भी, और वो ये है कि यार देखो हम घूमने जाते हैं तो हमारा क्या है ना, मन थोड़ा सा वो हो जाता है, मचल सा जाता है, काफ़ी ज़्यादा क्यूरियोसिटी हो जाती है कि हमें कि यार चल आज हम ना, मतलब ये काफ़ी सस्ती सस्ती चीज़ें हमें दी, खासकर जो चाइनीज़ प्रोडक्ट होते हैं इलेक्ट्रॉनिक्स, कि 1 KD में मतलब 200-300 रुपये में अरे पावर बैंक मिल रहा है, पावर बैंक ले लेता हूँ। लेकिन भाई मैं सब लोगों को यही बोलूँगा कि छोटी मोटी चीज़ें जो होती हैं, अलग अलग लाइट्स हो गई, बल्ब हो गए, इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम हो गए छोटे मोटे, या स्पीकर वगैरह हो गए, सस्ते सस्ते वाले बिल्कुल मत लेना, बिकॉज वो वेस्ट ऑफ मनी है। वहाँ से आप लोगे कुछ दिन, एक आध महीना चलेगा, ख़राब हो जाएगा, वेस्ट ऑफ मनी। लेना चाहते हो थोड़ा सा अच्छा ले लो, कोई दिक्कत नहीं है, अगर आपको रिक्वायरमेंट है तो अच्छा ले लीजिए, वो सस्ता सामान लोगे खामखा ख़राब हो जाएगा, तो इट्स बेटर कि आप मत लो। तो बस यही छोटी सी सजेशन था, अगर आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करना, आई वॉन्ट योर सपोर्ट। और अच्छा लगता है यार आप सपोर्ट कर रहे हो मुझे, और लाइक करते तो बहुत अच्छा लगता है, ऐसा लगता है कि मेरी मेहनत सक्सेसफुल हुई है। तो आज की वीडियो के लिए इतना ही, बाय बाय एंड टेक केयर।